आज हम अनुवाद विज्ञान के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में अध्याय में अनुवाद के उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो निम्न प्रकार से होंगे: प्रस्तावना, उद्देश्य, कोष से तात्पर्य, अनुवाद कोष की उपयोगिता, कोष के प्रकार। प्रकारों में एक भाषी कोष होगा, द्विभाषी कोष होगा, उपभाषा कोष होगा, अपभाषा कोष होगा। विविध विषयों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, कोष, शब्द संग्रह आदि का भी विवेचन इस अध्याय में करेंगे। पारिभाषिक कोष, विषय कोष और अभिव्यक्ति कोष, इन सब को लेकर के अनुवाद के उपकरणों की चर्चा इस अध्याय में की जाएगी। साथ ही हमारी लोकोक्ति, मुहावरों और अनेक विद्वानों के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का इस अध्याय में हम अध्यापन करेंगे। थिरसिस, पर्याय कोष, उच्चारित कोष, नाम कोष, साहित्य कोष, विश्व कोष, पुराण एवं मिथक कोषों का भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार हम इस अध्याय में सर्वप्रथम प्रस्तावना को लेते हैं। अनुवाद करते समय जो उपकरण सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है वह शब्द कोश होता है। इस शब्द कोश के माध्यम से हमें अनुवाद करने में अनेक बातों का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त थिरसिस और पर्याय कोश भी महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं, जो अनुवाद करते समय उपयोगी सिद्ध होते हैं। अनुवाद का कार्य मात्र एक भाषा में उपलब्ध सामग्री को दूसरी भाषा में शब्दांतरण करना नहीं होता है। अनुवाद में शब्दों के अर्थ के साथ साथ कथन के आशय का समुच्चय रूप से वहन होना चाहिए। इसके लिए अनुवादक को केवल अपनी मेधा एवं स्मरण शक्ति पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, उसे विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग भी करना चाहिए। प्रमुख साधन शब्दकोश होता है। इसका अनुवादक की कुशलता और लक्ष्य दोनों भाषाओं पर उसका सम्मान अधिकार और जिस विषय सामग्री को वो प्रस्तुत कर रहा है उस विषय सामग्री का सर्वज्ञ ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार भाषाओं का एक पक्ष तो विभिन्न संदर्भ कोशों से लिया जाता है और दूसरा अर्थ जो है वो उसमें निहित शब्दों के अनुसार लिया जाता है। ऐसे में जो उपकरण उसके लिए सबसे अधिक सहायक सिद्ध होते हैं वह शब्द कोश ही होते हैं। विभिन्न शब्दों के अतिरिक्त थिरसिस और पर्याय कोश भी इसमें सहायता प्रदान करते हैं। विषय का समुचित ज्ञान होने पर कई प्रकार के विषय प्रयोगों में, संकल्पनाओं में एवं धारणाओं में उसके सामने अनेक बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। अतः इन संकल्पनाओं का, धारणाओं का और विषयों का ज्ञान होना अनुवादक को अति आवश्यक है। उसे साहित्य कोष, शब्द कोष, पुराण कोष एवं विश्व कोष आदि का अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके अनुवाद की उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। उद्देश्य, इस इकाई को पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द कोशों के अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शब्द कोशों के स्वरूप, प्रकृति तथा प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। अनुवाद के संदर्भ में कोशों की उपयोगिता और जानकारी को आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए। शब्द कोश सहित अन्य अनेक प्रकार के शब्द कोशों की जानकारी कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इन कोशों के स्वरूप,
प्रकृति तथा प्रकार्य को भली भांति समझ सकते हैं, इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। अनुवाद के संदर्भ में शब्दकोशों की उपयोगिता जानकारी कर उनका सही प्रयोग करना अनुवादक के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करना इस इकाई का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कोश से तात्पर्य, कोश कई प्रकार के होते हैं। कोशों को समझना, अलग अलग प्रकार से उनको देखना कोश का तात्पर्य होता है। जैसे भाषिक कोश, जो भाषा से संबंध रखता है, उसमें शब्द कोश, अभिव्यक्ति कोश, पर्याय कोश, लोकोक्ति व मुहावरे आदि इस भाषिक कोश के अंतर्गत आते हैं, जिसका अध्ययन हम भाषा की उपयोगिता एवं भाषा के प्रयोग के लिए करते हैं। भाषिकेतर कोश, जिसमें साहित्य, धर्म, दर्शन, विज्ञान, पुराण कोश, विश्वकोश आदि आते हैं, जिस इन कोशों के माध्यम से हमें साहित्य के बारे में ज्ञान होता है, विभिन्न प्रकार के धर्मों के बारे में ज्ञान होता है, अनेक दर्शनों के बारे में भी ज्ञान होता है, और हम विज्ञान पुराण कोश से भी विभिन्न प्रकार के तथ्यात्मक एवं उपयोगात्मक एवं प्रयोगात्मक कोशों का अध्ययन करके हम एक भाषा से दूसरी भाषा में उसका रूपांतरण करते हैं। विश्वकोश में विश्व की अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार की बातों को लेकर के अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं। इस प्रकार से भाषेतर कोश होते हैं। कोश की भाषेतर कोश, कोश की उपयोगिता भाषा के अनुवाद करते समय शब्द के सही अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द के विशेष संदर्भ में सही अर्थ की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद करते समय समकक्ष शब्द का ज्ञान होता है। भाषा के अच्छे जानकार भी भाषा के तमाम शब्दों के अर्थ और प्रयोगों की जानकारी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी अनुदेय विषयों की कुछ संकल्पनाएं अनुवादक के लिए अस्पष्ट हो सकती हैं, जिसे सटीक अनुवाद में बाधा उत्पन्न होती है। अनुवाद के क्रम में उसके सामने और भी कई कठिनाइयां एवं स्थितियां आती हैं। उन स्थितियों का वो निराकरण करने के लिए कोश की उपयोगिता को अवश्य समझें। अनुवादक को स्वयं स्वतंत्र भाषा के शब्दों के सही एवं सटीक अर्थ ज्ञात होने चाहिए एवं दूसरी भाषा के शब्दों के अर्थ को अपनी भाषा में रूपांतरित करने के लिए उस भाषा के शब्दों एवं कोश का ज्ञान होना आवश्यक है, जिस भाषा का वो अपनी भाषा में रूपांतरित कर रहा है। यदि किसी शब्द के सामान्य अर्थ का ज्ञान होता है लेकिन सबको होता है पर विशेष अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, उसका अर्थ समझना एवं शब्द कोश में उसकी जानकारी प्राप्त करना अनुवादक को आवश्यक होती है। सामान्य रूप से श्रोत्र भाषा के शब्द का लक्ष्य भाषा में प्रतिशब्द, समकक्ष शब्द, इक्विलेंट शब्द ज्ञात न होने पर अनुवादक को द्विभाषिक कोश की सहायता अवश्य लेनी चाहिए।
आवश्यक लेनी चाहिए। अनुवादक अनुवाद करते समय व्यावसायिक और तकनीक विषयों की पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान भी अनुवादक को होना चाहिए। विभिन्न भाषा क्षेत्रों की संस्कृत सांस्कृतिक भिन्नता की समस्या का निराकरण होना चाहिए। अनुवादक अनुवाद करते समय किसी शब्द के सूक्ष्म अंतर की समस्या दूर हो सकती है, इसके लिए उसे कोश की उपयोगिता का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में कोशों के जो प्रकार हैं वो निम्न प्रकार से हैं। कोशों के प्रकार एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, उपभाषी कोश, अपभाषी कोश, शब्द संग्रह, परिभाषी कोश। एक भाषिक कोश, एक भाषिक कोश में किसी एक भाषा के शब्दों का वर्ण अनुसार संग्रह होता है और उसी भाषा में उन शब्दों का अर्थ दिया हुआ होता है, उसकी विवेचना की जाती है। द्विभाषा कोश में एक भाषा के शब्द के अर्थ को उच्चारण प्रयोग के संदर्भ में दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। अनुवाद में उनकी उपयोगिता असंदिग्ध होती है, क्योंकि ये स्वतंत्र तथा लक्ष्य दोनों भाषा के शब्दों में शब्दों के अर्थ तथा प्रयोग की समाहित करते हैं। स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा में कोई भी इन कोशों की प्रथम भाषा हो सकती है, जिसके शब्दों के अर्थ तथा प्रयोग दूसरी भाषा में रहते हैं। अंग्रेजी हिंदी के परस्पर अनुवाद के संदर्भ में हिंदी अंग्रेजी शब्दकोशों की श्रेणी में आएंगे। अनुवाद में यद्यपि स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा के शब्द प्राय खोजने होते हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार के कोशों की आवश्यकता होती है। उपभाषा कोश, उपभाषा कोश में मानक शब्द से जुड़ी हुई किसी बोली के शब्दों और प्रयोगों का अर्थ संग्रहित होता है। उपभाषा में हुई किसी रचना के लिए तो ऐसे कोश ही सहायक सिद्ध होते हैं, पर कई बार मानक भाषा में लिखे गए साहित्य में मुख्य रूप से कथा साहित्य में बोलियों के शब्द प्रयोग भी मिलते जुलते दोनों के मिल जाते हैं। हिंदी में आपको ऐसे असंख्य प्रयोग आंचलिक भाषा और आंचलिक साहित्य में मिल जाएंगे। विशुद्ध आंचलिक की श्रेणी में आने वाले साहित्य में भी कई प्रकार ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जो क्षेत्र विशेष की बोली तक ही सीमित होते हैं। अतः ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषाओं का जो दूसरी भाषा में अनुवाद करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन उसका उपभाषा कोश का उपयोग करते हुए ऐसे शब्दों का और ऐसे साहित्य एवं आंचलिक रचनाओं का अनुवादक उपकोश की सहायता से बड़ी सरलता से कर देता है। लेकिन आवश्यकता यह है कि उसे उपभाषा कोश का और उस क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों वातावरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अपभाषा कोश सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, किंतु बोलचाल की भाषा में कई ऐसे प्रयोग होते हैं जो
मानक भाषा से बहुत भिन्न होते हैं और मात्र मानक भाषा की शब्दावली, अर्थ और प्रयोग के माध्यम से इनका मतलब नहीं समझा जा सकता है। इन्हें अप्य भाषा या चालू भाषा के प्रयोग के द्वारा समझा जाता है। हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जैसे खुंदक, दुल्ला, पंगा लेना, फट्टे मारना आदि शब्द और प्रयोग मात्र मानक भाषा के माध्यम से नहीं समझे जा सकते हैं। यह तो केवल मात्र वहाँ की चालू, उस क्षेत्र की चालू भाषा के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं। और कभी कभी ऐसे शब्द जो अपभाषा कोश में होते हैं वो बहु प्रचलित पर्याय में चलते हैं और उन पर्यायों के माध्यम से उन शब्दों का अर्थ अपभाषा कोश में बहुत ही सहजता के साथ समझ में आ जाए, इसलिए वहाँ की परिस्थिति एवं वातावरण का भी थोड़ा बहुत उस अपभाषा कोश में उल्लेख किया जाता है। सामान्यतः सिस्टम शालीन भाषा में इस प्रकार के चालू प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष एवं आंचलिकता को देखते हुए उन प्रयोगों को फूहड़ और अभद्र होते हुए भी साहित्य कोश में लाया जाता है और अनुवादक उन शब्दों का अनुवाद अपनी भाषा के लिए करता है और वो आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो उस क्षेत्र विशेष की जनता को और अपने क्षेत्र विशेष की जनता को दोनों में तारतम्य बैठाने के लिए अपभाषा कोश का सहारा लेना आवश्यक होता है। विविध इसके बाद में शब्द कोश संग्रह, पारिभाषिक कोश, विषय कोश, अभिव्यक्ति कोश, मुहावरे, लोकोक्ति, थ्रेसिस, पर्याय कोश, उच्चारण कोश, ये सब कोशों के प्रकार हैं। इन कोशों के माध्यम से जो अनुवादक है वो अपनी पकड़ अनुवाद पर बहुत कड़ी एवं सजग बना लेता है। जैसे पारिभाषिक कोश, ये पारिभाषिक कोश अथवा पारिभाषिक कोश मात्र परिभाषिक शब्दावली कोश संग्रह से भिन्न होता है। शब्दावली संग्रह में विभिन्न विषयों तथा अनुशासन से संबंध पारिभाषिक शब्दावली दी जाती है। पारिभाषिक शब्दावली भी विषय विशेष की पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ जाती है। पारिभाषिक शब्दकोश भी विषय विशेष की पारिभाषिक शब्दावली से जुड़कर द्विभाषिक कोश में एक भाषा में दी हुई दूसरी भाषा को अभिव्यक्ति कर देता है। इस प्रकार ये विषय कोश की श्रेणी में होते हुए भी उससे भिन्न है। विषय कोश में विषय से संबंधित बातें एवं चर्चाएं होती हैं, लेकिन पारिभाषिक कोश में जो है वो उस शब्द की परिभाषा और उस परिभाषा के साथ शब्द का जो है वो आम जनता के बीच में या अपनी भाषा में ले जा करके प्रदर्शित करना और शब्द को समझाना पारिभाषिक कोश की मुख्य भूमिका में आता है। विषय कोश, विषय कोश मातृभाषी की नहीं है, भाषा के संदर्भ में अनेक प्रकार से जुड़े हुए भाषिक स्तर की भूमिका के लिए विषय कोश की आवश्यकता होती है। इस भाग में
इस विषय कोश का उल्लेख भी किया जाता है, क्योंकि विषय कोश में संदर्भ विषय की शब्दावली, संकल्पनाएं आदि की जानकारी इस विषय कोश के माध्यम से पाठक को मिलती है। विषय कोश में संबंध विषय की शब्दावली एवं उस विशेष विषय का अनुवाद करते हैं तो अनुवादक क्या सही अनुवाद अपनी भाषा में कर रहा है, इसको विषय कोश के माध्यम से देखा जा सकता है। जो प्रकरण, जो बात या जो कथा या कोई वार्तालाप चल रही है और उस वार्तालाप को अगर अनुवादक उस विषय को, चर्चा को अपनी अनुवाद में लाता है तो उस विषय में अपने आप को पहले तैयार करता है और फिर अपनी अनुवाद शैली से उस विषय कोश के द्वारा अपनी बात को अनुवादक प्रस्तुत करता है। लक्ष्य भाषा से जो है वो स्वयं की भाषा में अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति कोश का अर्थ संभवतः आपके सामने स्पष्ट नहीं हो, क्योंकि यह विषय विशिष्ट शब्दावली एवं अपभाषा की तरह ही है। कुछ शब्द तथा शब्द प्रयोग ऐसे होते हैं जो किसी विशेष विषय प्रयुक्ति प्रसंग से जुड़े हुए हो रहते हैं। हालांकि इन्हें तकनीकी शब्दों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, उन्हें जोरोगोन या खास बोली कहा जा सकता है। उनका अनुवाद भी खास बोली के लिए ही होता है, क्योंकि विषय की भाषागत संरचना भी विशेष ही होती है। उदाहरण के लिए आपने समाचार पत्रों में सरकारी कार्यालय पत्राचार रिपोर्ट आदि की भाषा देखी होगी, जिसमें एक विशेष संरचना एवं मुहावरे आदि का प्रयोग होता है। सहायक अभिव्यक्ति कोश, इस सहायक अभिव्यक्ति कोश के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्ति आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति कर्म के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति हर भाषा में होती हैं और उस भाषा का प्रमुख अंग होती हैं। भाषा को ये दुरुस्त एवं चुस्त बनाती हैं। वह व्यंग्यात्मक भी बनाती हैं। भाषा अपने लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा को ऐसे प्रयोगों के द्वारा चुस्त एवं व्यंग्यात्मक लाने के लिए मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। यही एक परेशानी होती है, मुहावरे अपने शब्दार्थ से भिन्न अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए 9 2 11 हो जाना का गिनती या गणित की भाषा में जो है वो अगर देखें तो होता है 9 10 11, लेकिन भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 9 2 11 का अर्थ होता है यहाँ से भाग जाना या रवाना हो जाना। रंगे हाथ, इस मुहावरे का अर्थ है हाथों के ऊपर रंग लगा हुआ, रेड हैंडेड, लेकिन भाषा की दृष्टि से अगर इस मुहावरे का अनुवाद या शब्दांतरण करते हैं तो यह होता है कि व्यक्ति को किसी कार्य में लिप्त होते हुए पकड़ लेना। लोकोक्ति अपने क्षेत्र की संस्कृति एवं सार तत्व को अभिव्यक्त करती है, इसीलिए उस पर अपने क्षेत्र की अभिव्यक्ति
या अपने क्षेत्र की पकड़ आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनुवादक लोकोक्ति का उपयोग करता है तो पहले उस लोकोक्ति के क्षेत्र को और उस लोकोक्ति के विषय एवं वातावरण को जानना आवश्यक होगा। थिरेसिस, थिरेसिस अर्थात पर्याय कोश, ये पर्याय कोश और थिरेसिस दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण से अगर देखा जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं होता है, लेकिन थिरेसिस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खजाना या कोषागार। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में इसके लिए और भी कई अर्थ दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्दकोश या विश्वकोश, ज्ञान भंडार आदि हैं। अमेरिका में थिरेसिस का उद्देश्य साहित्य अभिव्यक्ति को सहज एवं प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त शब्द एवं मुहावरों का जो सुझाव दिया जाता है वो थिरेसिस के अंदर आता है। इसी प्रकार हिंदी में पर्याय कोश का मतलब तो है जो पर्यायवाची शब्द आते हैं उन पर्यायवाची शब्दों को भाषा में जो प्रयोग करते हैं वो पर्यायवाची शब्द। अनुवादक को अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए और अनुवादक उन पर्यायवाची शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करके अपनी भाषा में अनुवाद कर सकता है। उच्चारण कोश, उच्चारण कोश का अर्थ होता है कि अनुवादक को उस भाषा का और उस शैली का ज्ञान होना चाहिए और उसको उस भाषा की ध्वनियों का भी ज्ञान होना चाहिए जिसको वो उच्चारित करे। अगर उच्चारण गलत है तो उसका अर्थ जो वो करता है कोश के अनुसार तो वो गलत हो जाएगा। अनुवादक को पहले किसी भी भाषा में भाषा को बोलने या उच्चारण करने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के लोगों से चर्चा करनी चाहिए और फिर उस उच्चारण कोश के माध्यम से अपनी अनुवाद प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। इस नाम कोश, नाम कोश विषय कोश तथा उच्चारण कोश बीच में कहीं आते हैं। अनुवाद के दौरान आपके सामने कई बार ऐसे व्यक्तियों तथा स्थानों का नाम आता है जिन्हें लेकर आपके सामने मुख्य प्रकार से दो कठिनाइयां आती हैं, परिचय संबंधित और उच्चारण संबंधित। इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे पहले अनुवादक को नाम कोश का सहायता लेनी चाहिए। साहित्य कोश, साहित्य कोश में एक या अधिक भाषाओं के साहित्यकार, रचनाकार एवं विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं धाराओं और साहित्यिक रचनाओं के विषय में जानकारी दी जाती है। इन जब आप साहित्यिक अनुवाद करते हैं तो संबंधित विषय के प्रति आपको अवधारणा स्पष्ट कर लेनी चाहिए, अन्यथा कई बार बड़ी हास्यपद भूल हो जाती है जो अनुवादक के लिए एक मजाक सा बन जाता है। विश्वकोश, विश्वकोश विश्व के अनेक विषय, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास, भूगोल, ज्ञान, विज्ञान आदि से संबंधित जानकारी होती है। जिस विषय के आधिकारिक विद्वानों ने विश्वकोश लिखा है उस विषय के विद्वानों से चर्चा करके और विश्वकोश में से अनेक प्रकार के वर्णों के अनुसार या देशों के अनुसार या उस काल क्रम के अनुसार इस कोश का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और अनुवादक इस ज्ञान को अपनी अनुवाद में समझने के लिए विश्वकोश का
सहारा ले सकता है। पुराण एवं मिथक कोश, पुराण एवं मिथक कोश किसी संस्कृति से संबंधित होती हैं, जिसमें पुराणों का, पुरा कथाओं का मिथक एवं पौराणिक व मिथिक चरित्र एवं घटनाओं का जो है परिचय दिया जाता है। इस परिचय के अंतर्गत सृजनात्मक साहित्य में भी इसकी जानकारी होना अति आवश्यक होती है अनुवादक के लिए। जी अगर अनुवादक पुराण मिथक कोश का सहारा लेकर के अपनी अनुवाद की रचना करता है तो निश्चित रूप से अनुवादक अपने अनुवाद में सफल हो जाता है। सारांश, कोश के अन्य भी कई प्रकार होते हैं। विभिन्न संदर्भों में ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लेखन एवं अनुवाद अनुवाद कौशल में वृद्धि करने के लिए अनुवादक को अपनी अपनी समझ को एवं अपने ज्ञान को अनेक भाषाओं में बांटना चाहिए और बांट करके अनेक भाषाओं के कोशों को उपयोग में लेकर के अनुवादक को अपने अनुवाद प्रक्रिया को समझाना चाहिए। यदि अनुवादक विभिन्न प्रकार के कोशों की प्रक्रियाओं को दोनों स्तर पर किसी प्रकार के सहायक होते हैं तो अलग अलग प्रकार के कोशों की प्रकृति एवं उपयोगिता का परिचय देते हुए उसी श्रेणी में अपने अनुवाद को सार्थक करता है। यह यदि उसका अनुवाद सार्थक हो जाता है, कोश का उसको परिचय होता है, तो अनुवादक निश्चित रूप से एक सफल अनुवादक के रूप में पहचाना जाता है और अनुवादक को अनेक कोशों की अवधारणाएं, अनेक कोशों के वर्ण व्यवस्था, अनेक कोशों के संदर्भों के बारे में ज्ञान लेना चाहिए और अनुवादक को अपनी अनुवादता सफलता के साथ करनी चाहिए। धन्यवाद।